हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा खुशहाल होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये संडे मॉर्निंग का क्लिप है और अराउंड 8-9 o'clock हो रहा था। तो आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट टू लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। और ये मेरी सोसाइटी में गार्डन एरिया है, उसी का व्यू है। तो वैसे पुणे में मॉनसून आ गया है और यहाँ पे बारिश का जो सीज़न होता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो चलिए फिर रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड उपमा बनाया था, तो उसके लिए मैंने 8-9 स्लाइस ब्रेड ले ली थी, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, मतलब तोड़ लिया है। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के ही अनियन लिए हैं, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ी सी ही मैंने राई ली है। और मैंने करी पत्ते लिए हैं 10-12। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसे भी मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया है। और तो ये मैंने कढ़ाई जो है वो गैस पे रख दी थी गर्म होने के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा ही ऑयल डाल दूँगी। और ये जो ब्रेड उपमा है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप एक बार जो है ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें मैं जीरा डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, थोड़ा सा ही मैंने राई लिया है 1/2 टीस्पून। अब मैंने जो प्याज काट के रखे थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप इसमें ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा छोटा टुकड़ों में काट लीजिए और इसे इस स्टेज में इसमें डाल दीजिए। तो अभी बेसिकली हमें अनियन को जो है वो थोड़ा सा मतलब ब्राउन करना है इन्हें, ताकि जो है ये थोड़े से पक जाएँ। अब मैं इसमें जो है टमाटर डाल दूंगी 1-2 मिनट के बाद, जब अनियन थोड़े से पक जाएंगे। आप इसमें कैरेट का यूज़ कर सकते हैं एंड जो मटर होते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और थोड़ा सा ही मैंने इसमें गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून के करीब। तो अब इन मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से पका लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड बच जाती है और उसे कोई भी नहीं अगर खा रहा है, तो आप उसका ऐसे रीयूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए अभी टमाटर भी थोड़े अच्छे से पक चुके हैं। अब जो ये हमने टुकड़ों में ब्रेड जो है वो काटी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे अच्छे से मिला दूँगी मसाले के साथ। आपको इसका जो साइड का एरिया होता है ब्राउन वाला, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उपमा में ये वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए अभी मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी। इसमें आप करी लीव्स का यूज़ करें, क्योंकि इससे फ्लेवर जो है इस उपमा में बहुत ही अच्छा आता है। तो वो भी मैंने इसमें अच्छे से मिला दिया है। ये देखिए, और अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो भी आप उसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1/2 जो है नींबू का नींबू ले लिया था, उसका रस मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि ये थोड़ा सा खट्टा हो जाए। फिर इसे अच्छे से मिला देंगे। और ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसे ऐसे बना के देखिएगा। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच टमाटो केचप डाल दूँगी, इससे जो है इस उपमा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको मीठा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे ना यूज़ करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप इसे डालिए, क्योंकि इससे जो है इसका फ्लेवर एनहेंस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। तो ये बस अब तैयार है एकदम सर्व करने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, तो ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, आप एक बार जो है इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी।
तो फिर चलिए फिर लंच की ओर बढ़ते हैं। लंच में मैंने बैंगन आलू की सब्जी बनाई थी, तो ये जो बड़ा बैंगन होता है भरते वाला, वो मैंने इसे ले लिया है, क्योंकि इस वाले बैंगन की जो है बैंगन आलू बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं इसकी बेसिकली जो इसके ऊपर की स्किन होती है वो मैं इसे ऐसे हटा रही हूँ। आप इसको पूरा भी हटा सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी देखिए मैं कैसे हटा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा बैंगन भी लगे, क्योंकि ऐसे स्किन हटा लेने से जो हम कुकर में बनाते हैं सब्जी तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप एक बार ऐसे ट्राई कीजिएगा। और मैं इसे कुकर में बना रही हूँ तो ये मैंने इसकी स्किन हटा ली है। अब मैं इसे चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा बैंगन है ये। अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से चॉप कर लूँगी। और ये वाली सब्जी आप राइस के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ी सी ये रसेदार सब्जी होती है। आप पराठों के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देख लीजिए मैंने इसे चॉप कर लिया है। तो मैं इसे अभी पानी के अंदर डाल दूँगी ताकि जो है ये काले ना पड़े। इसे अच्छे से मिला दूँगी। साथ ही मैं इसमें एक आलू काट लूँगी। तो ये मैंने इसे अच्छे से छील लिया है। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप आलू का यूज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं, दो आलू भी ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा आलू कम पसंद है तो इसमें मैं एक ही आलू का यूज़ कर रही हूँ। तो इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। ज़्यादा बड़े टुकड़े ना काटें इस सब्जी में। तो मैंने एक कुकर रख दिया है गैस पे, तो उसमें मैंने सरसों का तेल ले लिया है, क्योंकि सरसों के तेल में सब्जी बहुत अच्छी बनती है। जब तक हमारा तेल गर्म होगा तब तक हम ये अनियन काट लेते हैं। तो ये मेरा एक अनियन था तो इसे मैं चॉप कर लेती हूँ। साथ साथ हम सब ये सब काम करते जाते हैं तो हमारा जो है कुकिंग टाइम है वो कम हो जाता है, और फटाफट से हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो जब तक तेल गर्म होगा हमारा जो प्याज है और हरी मिर्च है वो भी कट के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा डाल दूँगी 1 टीस्पून, और इसमें मैं ये जो अनियन और हरी मिर्च हमने काटी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे अच्छे से मिला देंगे। इसमें मैंने 3-4 कली लहसुन थी उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, मतलब ग्रेट कर लिया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी। जब तक हमारे प्याज पक रहे हैं तब तक ये मैंने एक बिग साइज़ का टमाटर ले लिया है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। तो जैसे ही प्याज पक जाएंगे मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। तो ये देखिए अभी प्याज और जो हमने गार्लिक डाला था वो भी अभी पक चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला दूंगी। और टमाटर को जल्दी पकाने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी, हल्दी पाउडर डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला लिया है, 1.5 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का यूज़ किया है। तो ये देखिए अभी टमाटर जो है थोड़े पक चुके हैं। अब मैं इसमें जो है आलू डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें ये जो हमने बैंगन काट के रखे थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। और ये सब्जी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ऐसे कुकर में बना के देखिएगा इसकी स्किन हटा के। तो इसे अच्छे से मैं मिला दूँगी।
और इसमें मैं देखिए अभी मैंने अच्छे से इसे मिला दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, हाफ ग्लास के करीब। आप इसे चाहें तो सूखा भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा इसे गीला बनाना है। और थोड़ी सी धनिया पत्ता मैं अभी इस स्टेज पे डालूंगी ताकि जो है धनिया पत्ते का फ्लेवर है वो सब्जी में आ जाए। और जो लोग बैंगन भी नहीं खाते उन्हें भी ये सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा के इसे 2 विसल के लिए रख दूंगी हाई फ्लेम पे। तो 2 विसल में ये सब्जी बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए 2 विसल के बाद ये सब्जी कितनी अच्छे से तैयार हुई है। आलू भी अच्छे से पक चुके हैं और बैंगन भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने को मिले। एक बार फिर मिलूंगी मैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।